नमस्कार दोस्तों, जीवा टीवी पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जिसके बारे में हम रोज सोचते हैं। ये है कि हम वेट कैसे घटा सकते हैं और फिट कैसे बन सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में जानेंगे वजन घटाने के कुछ आसान घरेलू तरीके। सबसे पहला, ज्यादा प्रोटीन खाएं। जब वजन घटाने की बात आती है तो प्रोटीन पोषक तत्वों का राजा है। जब आपके द्वारा खाए गए प्रोटीन्स आपका शरीर डाइजेस्ट करता है तो ज़्यादा कैलोरीज बर्न होते हैं। इसीलिए हर रोज़ एक हाई प्रोटीन खाना खाने से आपका मेटाबॉलिज्म बढ़ जाता है और वेट घटने लगता है। ज़्यादा प्रोटीन का सेवन करने के लिए आप अंडे खा सकते हैं या ग्रीन लीफी यानी हरा भरा जो भी सब्जियां आपके घर में वो सारे खा सकते हैं। प्रोसेस फूड का सेवन कम करें। प्रोसेस फूड या प्रोसेस खाना वो होता है जो पकाया जाता है या जिसमें कुछ मिलाया जाता है। अक्सर ये लाल मिर्ची हो सकता है या नमक, चीज़, चीनी, ये सारे सामग्री वजन को बढ़ाते हैं। इसलिए जितना हो सके उतना आपको ज़्यादा प्राकृतिक कच्चा खाना खाना चाहिए। उदाहरण के लिए किसी फ्रूट के मिल्कशेक को पीने के बजाय आप उस फ्रूट को डायरेक्टली खा सकते हैं। ऐसे करने से फ्रूट मिल्कशेक में जो चीनी मौजूद है वो उसे आप अवॉइड कर सकते हैं और स्वस्थ रह सकते हैं। अपने किचन में मौजूद जंक फूड को हटाएं और हेल्दी खाने से अपने किचन को भरें। कई रिसर्चर्स का मानना है कि जो खाना आपके घर में मिलता है वैसे ही आपकी सेहत भी होती है। जैसे अगर आपके किचन में ज़्यादा बिस्किट्स, चिप्स और ऐसे जंक फूड ज़्यादा होते हैं तो भूख लगने पर आप वही खाते हैं और आपकी सेहत बिगड़ जाती है। इसीलिए जितना हो सके उतना आपके किचन को हेल्दी खाने से भरे। फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ड्राई फ्रूट्स और एग्स हेल्दी स्नैक ऑप्शंस हैं जिससे आप अपने किचन को भर सकते हैं और भूख लगने पर ऐसे ही हेल्दी खाना खा सकते हैं। चीनी का सेवन कम करें। ज़रूरत से ज़्यादा चीनी का सेवन करने से हृदय के रोग, डायबिटीज़ या कैंसर की संभावना भी ज़्यादा हो सकती है। इसमें प्रॉब्लम ये है कि बहुत लोगों को ये पता नहीं होता कि अनजाने में वो कितना चीनी का सेवन कर रहे हैं। जैसे वो लोग कहते हैं कि हम कॉफ़ी और टी में कम शक्कर मिलाते हैं मगर आइसक्रीम, स्वीट्स और बिस्किट्स को कम खाना भूल जाते हैं और उन्हें बस खाते रहते हैं। इस तरह के स्नैक्स में शुगर कंटेंट ज़्यादा होता है, इसलिए हमेशा जब भी आप स्नैक्स खा रहे हैं उस पर ध्यान देना चाहिए और शुगर कंटेंट को कंट्रोल में रखना चाहिए। आप जितना कम शक्कर खाएंगे आपकी ओवरऑल फिटनेस भी उतनी ही इम्प्रूव होगी। फल और सब्जियाँ खाएँ। ये तो आपने बहुत बार सुना होगा कि ज़्यादा फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाने से एक्सेस वेट जो है वो घटाया जा सकता है। ये तो सच है कि जब हम फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाते हैं ज़्यादा कैलोरीज नहीं बढ़ते और हम जितना ज़्यादा हो सके उतना फ्रूट्स और वेजिटेबल्स बिना कैलोरी को बढ़ाए खा सकते हैं, क्योंकि फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में फाइबर की मात्रा ज़्यादा होती है। तो आप जितना फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाएंगे उतनी ही आपकी स्ट्रेंथ और फिटनेस भी बढ़ेगी। रात को कम से कम 6 घंटे सोए। जब हमें कम नींद मिलता है तो हार्मोन्स में असंतुलन होता है जिसके कारण वजन बढ़ सकता है। इसके साथ साथ कम नींद मिलने से हमारी एपेटाइट भी बिगड़ सकती है जिसके कारण हम ज़रूरत से ज़्यादा या ज़रूरत से कम खाते हैं। इसीलिए फिट रहने के लिए कम से कम 6 घंटे सोना बहुत ज़रूरी है। तो ये थे वज़न घटाने के कुछ आसान तरीके। इन तरीकों को अपने जीवन में अपनाएं और जो तरीका आपको इफ़ेक्टिव लगा नीचे कमेंट करके हमें बताएं।